संगम नगरी प्रयागराज का विद्युत विभाग 2022 में राजस्व प्राप्ति, बिजली चोरी समेत कई अन्य मामलों पर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। जहां 2021 के मुताबिक 2022 में बिजली विभाग ने 161 करोड़ से अधिक की राजस्व प्राप्ति की है और इस साल 1060 करोड़ रुपए का राजस्व प्रयागराज से प्राप्त हुआ है। वही अगर पिछले साल 2021 की माने तो राजस्व की प्राप्ति 899 करोड़ थी। इसके साथ ही बिजली चोरी के खिलाफ 7329 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए बिजली विभाग ने प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में 50 से अधिक ट्रांसफार्मर भी लगाया है। मास रेड और छापामारी की गई है पुलिस प्रशासन के साथ में भी, जिसके जिसके लगभग 7200 FIR दर्ज कराई गई है विद्युत चोरी के खिलाफ, और अभियान चला करके लाइन लॉसेस को कम किया गया है। लाइन लॉसेस को 2% के आसपास कम भी कर लिया गया और अभी और अभियान जारी रहेगा। अब हम राजस्व वसूली जहां तक बात करें, प्रयागराज जनपद में विगत वर्ष के सापेक्ष 161 करोड़ रुपए ज़्यादा वसूली की गई है। विगत वर्ष हमारा टोटल पैसा आया था 899 करोड़, इस वर्ष आया हुआ 1060 करोड़ रुपए की ज़्यादा वसूली की गई है। और जनता की और सुविधा के लिए हम लोगों ने लगभग 50 नए ट्रांसफार्मर लगाए, 160 क्षमता वृद्धि की है। एक और जो बड़ी अच्छा काम किया है ADB योजना के अंतर्गत, लगभग 1206 गांव में मजरों में जो जर्जर तार थे, पुराने जर्जर तार, उनको बदल के AB केबल लगाई गई, जिसमें हमने 20 खंभे भी लगभग 2000 के आसपास खंभे भी लगाए गए, जिससे जनता को राहत मिली। साथ साथ बिजली चोरी भी कमी हुई, जिसमें लगभग 8000 कनेक्शन तत्काल आ गए मौके पर, और इसके अलावा बिजली चोरी रोकने में और कमी आएगी। ये योजना ऐसी रही है, स्मार्ट सिटी है प्रयागराज, तो ऐसे में ये भी योजना है जहाँ तार वगैरह बहुत ज्यादा दिखते हैं उनको भी अंडरग्राउंड करने की कवायद हो रही है ये। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अभी हम लोगों को जो शासन से योजना मांगी गई पावर कॉर्पोरेशन से, जिसमें नगर निगम और नगर पालिका, इनमें अंडरग्राउंड केबलिंग करने का प्रोजेक्ट हमारा चला गया है, जिसमें पूरा जनपद प्रयागराज भी शामिल है। जहां पर अंडरग्राउंड केबलिंग नहीं है वहां पर भी है। दूसरा, एक योजना हमारी और शुरू हुई है। साल 2022 बिजली विभाग के लिए बेहद खास और अहम रहा है। अगर हम 21 की बात करें तो राजस्व वसूली के मामले में अब की बार प्रयागराज में 161 करोड़ की जो वसूली है या राजस्व है उसकी प्राप्ति हुई है। मुख्य अभियंता विनोद कुमार गंगवार का साफ तौर पर कहना है कि अब की साल 7300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिन्होंने बिजली चोरी की थी या फिर उन्होंने गलत तरीके से कटिया मारी थी। इसके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुताबिक अब की बार 8% जो नए कनेक्शन है उसमें इजाफा देखने को मिला है। 20,000 से ज्यादा जो पोल है वो प्रयागराज के अलग अलग क्षेत्रों में लगाए गए हैं। गांव में जो तार हैं उसको भी हटाया गया है जो जर्जर हो गए थे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में जितने भी यहां पर आप तार देख रहे हैं वो सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे, जिससे कि एक बड़ी राहत स्थानीय जनता को होगी और बिजली चोरी के खिलाफ भी ये एक बेहतर कदम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2022 बिजली विभाग वालों के लिए बेहद खास रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंगद उपाध्याय के साथ सैयद आखिर प्रयागराज।